हे दोस्तों, अभी अभी का एक लेटेस्ट अपडेट आया है। अभी अभी की एक नई ताजा खुशखबरी आई है, जानकर आप बहुत ज्यादा रह जाएंगे हैरान, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। अब पीएफ अगर आप जमा करते हैं तो उस पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पीएफ वालों के लिए लेटेस्ट अपडेट है, मोदी सरकार द्वारा एक नई खुशखबरी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, ब्याज दर बढ़ गए हैं। क्या है पूरा अपडेट जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों जैसा कि आप सभी न्यूज वेबसाइट्स पर देख पा रहे होंगे, जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कर्मचारी प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज दर को 8.55% से बढ़ाकर 8.65% कर दिया है। दोस्तों 2015-16 के बाद ये पहली बार हुआ है जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों ब्याज दरों में बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लागू होगी। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने गुरुवार को इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से 6 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। कितने करोड़ कर्मचारियों को? 6 करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा। उन्होंने कहा कि सीपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी के सभी सदस्यों ने चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरों में इजाफा किए जाने के फैसले पर सहमति जताई है। श्रम मंत्री ने कहा दोस्तों कि अब इस फैसले को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय भेजा जाएगा। गौरतलब है कि 2016-17 में ईपीएफओ ने 8.55% की ब्याज दर से ब्याज दिया था, जो 5 सालों में सबसे कम था। श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाला न्यासी बोर्ड ईपीएफओ का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है, जो वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि पर जमा पर ब्याज दर पर निर्णय लेता है। दोस्तों बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय से सहमति की जरूरत होगी। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही ब्याज दरों को अंशधारकों के खाते में डाला जाएगा। दोस्तों ईपीएफओ ने 2017-2018 में अपने अंशधारकों को 8.55% का ब्याज दिया था। वित्त वर्ष 2016 से 2017 के बीच 8.65% और 2015 से 2016 के बीच में 8.8% का ब्याज दिया था। वहीं 2013 से 14 की बात करें और 2014 से 2015 की ब्याज करें तो ये ब्याज दर थी 8.75%। तो दोस्तों अब अगर आप जमा करते हैं पीएफ तो आपके लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी। आपको ये न्यूज कैसी लगी? आपको ये मोदी सरकार का फैसला कैसा लगा? क्या आप मोदी सरकार के समर्थन में हैं या नहीं, बताना जरूर नीचे मुझे कमेंट में। मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हां दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियोज, इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहे। और अगर आप चाहते हैं रोचक और एंटरटेनमेंट टाइप के वीडियो, तो आप हमारे सेकंड चैनल रोचक साला को भी सब्सक्राइब करें, विजिट करें, देखें वीडियो।